हिंद दोस्तों, अगर आप अपना अपनी एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको पुलअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक साथ कई पार्ट्स को ट्रेन करते हैं और हमारे बॉडी को चौड़ा लुक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पुलअप नहीं, एक भी पुलअप नहीं लगा पाते हैं, तो इस वीडियो में हम आपके लिए पुलअप करने के लिए चार ऐसी तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप घर पर ही करके कर सकते हैं और अपने लुक को, बैक को चौड़ा बना सकते हैं। लेकिन इन तरीकों को बताने से पहले आपको पुलअप लगाने के सही तरीके के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं मतलब करने का पता होगा, तब तक जाहिर सी बात है तो कि आप इस काम को गलत ही करोगे, और अगर आप गलत करोगे तो आपको उसको जो है आपका अच्छी फायदा नहीं मिलेगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं एस्पायर इंटरनेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं पुलअप लगाने के सही तरीका क्या है। तो जब भी आप पुलअप लगाए तो सबसे पहले जब भी आप पुलअप बार को पकड़े तो अपने दोनों कंधों के बीच थोड़ा गैप जरूर दें, ताकि इससे आपके बैक और चेस्ट पर स्ट्रेच आए। और दूसरी बात ये कि जब आप मतलब पुलअप और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप पुलअप लगाते वक्त आपको पुलअप बार के पूरा ऊपर जाना है और पूरा नीचे आना है। ऐसा नहीं कि पुलअप बार के आधा गए और नीचे आ गए, और ऐसा भी नहीं कि पुलअप बार के ऊपर गए तो लेकिन पूरा नीचे नहीं आए। और तीसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि मतलब जब भी आप पुलअप करें तो आप एक ही झटके में ऊपर नहीं जाना है आपको और नहीं नीचे आना है, बल्कि आपको फील करवाना है अपने बॉडी को, आपके बॉडी को, और धीरे धीरे ऊपर जाना है और धीरे धीरे नीचे आना है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पुलअप करें तो अपने बॉडी को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है, ताकि ना कि बाहर की ओर। तो ये हो गया पुलअप लगाने का सही तरीका। और अगर आप इस तरीके से पुलअप लगाते हैं तो तभी आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं उन तरीकों के बारे में जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अगर एक भी पुलअप नहीं लगा पाते हो तो आप आसानी से पुलअप लगा पाओगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इन एक्सरसाइज को लगभग 10 से 15 दिनों तक लगातार करना है, तभी आप पुलअप लगा पाओगे। तो आते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज के आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग जिम में करते हैं, और अगर आप घर पर एक्सरसाइज करते हैं तो अपने घर में बेंच या अपने पलंग के नीचे अपने बॉडी को जो है अंदर की ओर करके कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को आपको ये फायदा मिलेगा कि इससे आपका बैक स्ट्रेच होगा और ट्रेंड होगा, जिससे आपको पुलअप करने में बहुत मदद मिलेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज पर, जो कि बेहद ज़रूरी है। अगर आप पुलअप लगाना चाहते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पुलअप बार में लटकना है और फिर अपने कंधे को धीरे धीरे ऊपर की ओर करना है। लेकिन ध्यान रहे कि ऊपर जाते वक्त अपने कंधों की मदद से ही ऊपर जाए और जाना है और नीचे आना है। अब आते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज पे, जिसे निगेटिव पुलअप कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पुलअप बार के नीचे एक बेंच रख लेना है, और फिर आपको उसके ऊपर चढ़कर पुलअप बार के ऊपर जाना है और फिर अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप नीचे की ओर आए तो जितना हो सके उतना धीरे धीरे नीचे आए, ताकि आपका मसल स्ट्रेच हो और आपका बैक पर लोड पड़े। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप आसानी से पुलअप कर पाओगे। अब आते हैं हमारे चौथे एक्सरसाइज पर, जो कि हमें पुलअप लगाने के लिए बहुत हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको डंडे को जो है दो चेयर के बीच रख लेना है और कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज से आपका आर्म्स मजबूत होगा और आपका बैक भी मजबूत होगा, जिससे आप अपने बॉडी के वजन को बड़े ही आसानी से उठा पाते हो। तो ये कुछ तरीका है जिसे अगर आप 10 से 15 दिन तक फॉलो करते हैं तो अगर एक भी पुलअप नहीं कर पाते हैं तो आप आसानी से कई पुलअप लगा कर पाते हैं। तो बस ये थी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में। अगली वीडियो किस पर चाहे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।